कबीले वाले गांव के बाशिंदों को दो नामों से सख्त घृणा थी, एक आधुनिक शिक्षा और दूसरे आधुनिक चिकित्सा। तुमने क्यों बच्चों को तकलीफ दी है? दूर क्या बच्चा, मैं तो आलू टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मोती का बाबू, मैं तो दूर कर रहा हूँ। ये मेडिसिन है, ये दवा है। दवा में क्यों दवा से खाता है? तुमने हमारे देवता को क्यों अपमान किया है? मारो उसको।
खोल कुछ वो खोले मत तुम्हारी दशा किसने की? गांव की दंदाई ने। कितनों को टीका दिया? सिर्फ तीन को मास्टर बाबू। फिर वे लोग मुझे लेकर ले गए पकड़ कर। मैं उनके दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस रोग की दुश्मन हूँ। मास्टर बाबू उन्हें यह समझा दो। अच्छा ठीक है, समझा दूंगा। वाकई ये चैलेंज है रमेश। किसी भी कीमत पर जल्दी ही इन्हें शिक्षित करना पड़ेगा डॉक्टर मुखर्जी, ये हमारा ही कसूर है। लेकिन टीका बाबू को उनसे कहना था कि हमारे डॉक्टर्स उनके दंदाई यानी मेडिसिन मैन का अनादर नहीं करते, बल्कि उन्हें सिर्फ साइंस, नई दवाएं, नई ड्रग्स के बारे में बताना चाहते हैं। शिक्षा के जरिए ही बुद्धि का विकास हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये बस तो जाएगा? बचेगा ही नहीं, एक हफ्तन के अंदर पहाड़ पहाड़ पर दौड़ेगा और हजारों को टीका भी देगा। देखो रमेश, ये संक्रामक रोग जंगल की आग की तरह फैलता ही जा रहा है। नई जिंदगी देने के लिए हमें जीना होगा। इस बीमारी के बारे में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी लिख दिया। अच्छा डॉक्टर मुखर्जी, क्या इसे भेजना है? अभी भेज दीजिए। चारणी जी सर, इधर आना। देखो इस चिट्ठी को डाक रनर को दे आना। रनर सर? हाँ, जो डाक लेकर दौड़ता है ना, जो डाक लेकर दौड़ता है। तुम जा। देखो भूलना मत। ठीक है, जाओ। रनर 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 रनर। पर्वते अपना धेरा हमसाय आशमा का, ये संतरी हमारा, ये पाशुआ हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा सारे सीता हमारा। हिंदुस्तान के बच्चे चारणी, इधर आना। तो हिंदू सीता हमारा ये गाना ठीक है ना सार? सारे हिंदुस्तान की चिंता छोड़। क्या चिंता? अभी हमें महान हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव की चिंता करनी है। तुम जल्दी में हो क्या? नहीं सर। तुम्हें मालूम है टीका बाबू को गांव वालों ने बहुत बुरी तरह मारा पीटा है। नहीं सर, सुना है तुम मुझे उसी गाँव में भेज रहे? तो तुम नहीं जाओगे क्या? बोलने से तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर और नर्स को मेरे साथ कर दीजिए। मेरा हृदय तोड़ेगा तो फौरन मेरा मत कर देगा। चारणी, तुम मुझे उस गांव से दो एक बच्चा ला दो। अगर मैं उन्हें शिक्षित कर सका तो वो अपने गांव में नया जीवन लाएंगे। वो तो नया जीवन लाएगा ही, लेकिन मेरे जीवन का क्या होगा? ए धोनी बोलो, सूर्य माता चंद्र पिता। घबराता क्यों है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा सर। हाँ, आपको सिर्फ एक बच्चा की जरूरत है ना? हाँ। पर उसके गांव से दूसरा बच्चा ले आऊं तो उसी गांव में बच्चा आसानी से मिल सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तदो आदमी अच्छा है, लेकिन शिक्षा से उसे घृणा है। उसके दो बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी एक को उठाकर शिक्षित कर दे तो वो अपने ज्ञान की रोशनी दूसरे पर डाल सकता है। तो फिर वही करो। तदो 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 क्या है? उस टीका बाबू के बारे में कुछ सुना? कतारी लेकर हमारे बच्चों को मान आया था। हाँ सुना। क्या वो बच्चा मर गया? मरा तो नहीं, मर जाएगा। दूसरों की बात चोरो, पास वाले बीमार है उसकी इलाज करो। अच्छा देखता हूँ। अचीली बुगे दौकग दी ए पुलो अजी दमके पजी के ए तब पुलो
पानी। क्या है बात क्या है? ये टीका बाबू है, टीका बाबू को ले आया। टीका बाबू बात तो समझा कर बताओ कि क्या बात है। बगल के गांव में जिस बच्चा को टीका दिया था वो बच गया है। वो बच गया? जी हाँ। जिसको नहीं दिया था वो मर गया है। इसकी दवा अच्छी है। अच्छी है? ये सबको टीका देगा। चलो आओ। चलो 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 और तकार को टीका लगवाओ। हो गया। मुझे भी टीका दो, मैं भी नई दुनिया देखना चाहती हूँ। मुई अब कैसे हैं? कौन है? मैं चारनी हूँ। दादो मुझे जानते हैं। तकर और तालो को स्कूल भेजो ना। स्कूल? जी। क्या शिक्षा देता है? क्या वो अपने साथ बहुत सी बीमारी लाया है टीका वाले की तरह? नहीं नहीं नहीं, वो दुनिया देखने की शिक्षा देता है। कैसे? किताबों की जरिए। मैं बिना किताब के ही धोनी पोलो चांद सूरज देख सकती हूँ। आप अपने मन के आंख से दुनिया देखते हैं, लेकिन इसी गांव के कुछ लोग आंख रहते हुए भी दुनिया नहीं देखता। मास्टर बाबू, घर में तादो यादम है और कोई बीमार है और सब खेत में चला गया। चलो बच्चे को स्कूल भेजो। बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, उसे कल ही स्कूल भेज देना। मास्टर बाबू। क्या है मास्टर बाबू? हाँ दादा, अपने बेटों को स्कूल भेजने के राजी हो गया है। सच? लेकिन क्या? दादो का कहना है गांव वालों को मालूम नहीं होना चाहिए तालो और तकर अपने माँ बाप के राज स्कूल गया, वरना उसे नुकसान पहुँचाएंगे। उसका यो भी कहना है जब सब खेत में चला जाएगा तब हम दोनों जाएगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किसके साथ खेलेंगे? मैं भी स्कूल जाएंगे। तकार पढ़ो तो। ओ ओ तकार, ओ हिरसिंकी, ओ हिरसिंकी। तकार फिर से बोलो तो। ओ ओ ओ आकार का, ओ आकार का, ओ हिरसिंकी, ओ हिरसिंकी। हाँ तालो अब तुम पढ़ो। ओ ओ ओ आकार का, ओ आकार का, ओ हिरसिंकी, ओ हिरसिंकी। फिर से पढ़ो। ओ ओ ओ आकार का, ये कम आप तकर तालो सब स्कूल गया, मुझे स्कूल कब दे देंगे? अच्छा जाओ, दीजिएगा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ
तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बोल बताओ। मुझे क्या मालूम? वो साला विदेश ले गया हो, जरूर ले गया है। आए, मैं तो लुट गई। अब रोने से क्या फायदा? तो बच्चा गया तो गया, अभी हम दोनों जवान हैं और बच्चे पैदा कर लेंगे। क्या कह रहे हो? क्या मास्टर बाबू? मास्टर बाबू नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए, कहिए। बच्ची को स्कूल में देना है? बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? यालम। तुम्हारे माता पिता? माता पिता मर गए, श्री दादाजी है। मर गए? पढ़ोगी ना? जी हाँ। कितने दिन पैदल चलकर आई हो? 3 दिन पैदल चलकर आई हूँ। 3 दिन पैदल चलकर आई हो, बहुत अच्छा। आओ बेटा, आओ आओ। चलो ठीक से बैठो भाई। हाँ हाँ, इसी तरह ठीक ठीक। समाता जो बताओ तो, नेपा का क्षेत्रफल क्या है? 88,578 वर्ग मीटर है। तकार, कामेंग जिला में कौन कौन सी जातियां रहती है? सर, कामेंग जिला में मोनपा, मीजी, अबका, शेडुपेन, खवा और निशी रहते हैं। तमार, नेफा में कितने जिले हैं? सर, नेफा में 5 जिले हैं। यप्पू, उन जिलों का नाम बताओ। कमेंग, जिया, लुहित, टीराफ और सुवर्णसिरी। सियांग जिला में कितनी जातियां हैं, तुम में से कौन बताएगा? सर, सियांग जिला में आदि और उसके उपजातियां रहती है। हेलो, क्या तुम बता सकते हो लुहित जिले में कौन कौन जातियां हैं? सर, लुहित जिला में खमती, टिम्पो, मिसमय और उनके 3 उपजातियां रहती हैं। हेली, मुनपा लोगों का धर्म क्या है? महायाना बौद्ध धर्म है सर। ठाकर, नेफा का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी सर, यानी नेफा। ये नाम किसने दिया था? ब्रिटिश ने सर। गुड, सिट डाउन। चलो, हु इन्वेंटेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आइज़ैक न्यूटन ने सर। थैंक यू, सिट डाउन। हाँ यालम, पढ़ो तो। नहीं जानवर कोई भी है दुनिया में बेकार, सबके साथ चाहिए करना अच्छा ही व्यवहार। पढ़ो। नहीं जानवर कोई भी है दुनिया में बेकार, सबके साथ चाहिए करना अच्छा ही व्यवहार। बहुत अच्छा, बहुत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हेलो भैया, रमेश जी ने ये गाना सिखाया था, तुम्हें याद है? नहीं। हेलो भैया, तुम्हें मालूम है ये गजल डॉक्टर इकबाल ने लिखी थी? मुझे नहीं मालूम। जदाम, देखो तो कौन आया है। दोषी
बोलो बेटे, स्कूल में क्या क्या पढ़ा है? अच्छा पिताजी देखिए, मैं इस पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता हूँ, फिर यह धरती पर आ गया। इसे कहते हैं धरती की आकर्षण शक्ति। आकर्षण वो तो होगा ही, धरती भी तो लड़की है। अब तू बताता कर, क्या सीख कर आए हो? अच्छा पिताजी, वो रंगा नदी है ना, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जानता हूँ। अच्छा तो देखिए, ये रंगा नदी है, घर से निकलकर इन जगहों से बहती हुई ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र के साथ ये भारत महासागर में मिल जाती है। अच्छा बेटा, अब तो तुम बंदर जैसे नहीं लगते, मालूम होता है आदमी बन रहे हो। आदमी बनने में बहुत देर लगेगा, बहुत लंबा चरा पड़ना पड़ेगा, 3 किलोमीटर हाँ पड़ना पड़ेगा। मुझे कब बड़ा स्कूल भेजोगे? माँ तुम भी पियो ना। मेरे लाल ये सब मैं नहीं पीती, तुम दोनों के लिए। इधर आ, 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 इधर बैठ। लाला ला पी पी। क्या है, भगवान ने सृष्टि बनाने के पहले थोड़ा सोचा, उसके बाद सिर्फ पानी ही पानी बनाया, फिर सूर्य की किरणें और हवा ने पानी को सुखा दिया, फिर पत्थर ही पत्थर दिखाई देने लगा, फिर भगवान ने कुछ सोचा, फिर कुछ हिस्सा पानी और कुछ हिस्सा पत्थर बनाया। हेलो भैया, तुम्हें मालूम है यही हमारे निशी धर्म का एक विश्वास है। मुझे इन बातों में विश्वास नहीं, यह पर्त बकवास है। तालो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बोलो तो ये क्या है? बिजली है, भगवान का गुस्सा। अच्छा पिताजी, आपको मैं एक मजा दिखाता हूँ। आप नाम काकी ने कमल भी जमा देखिए पिताजी, आपने ये बिजली को भगवान का गुस्सा कहा ना, वो भगवान का गुस्सा नहीं है, वो तो आकाशीय शक्ति है। ये एक मशीन है, इसका नाम टॉर्च है। उस आकाशीय शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इसमें बंद है। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए जलता है। तुम बहुत बड़ो आकाश पत्थर पृथ्वी भी हमको और ये आपका पिता माता जी को सबको मालूम होगा। ये तुम्हें किसने सिखाया? रमेश जी ने।
अल्दो। ये मेरा है। कौन? ये मैंने लाया है। ये तुम्हारा है, तुमने लाया है तो क्या मैं नाराज होने की क्या बात है? इसे पीर कभी हाथ मत लगाना, याद रहो मैं कहीं जाता हूँ। पढ़ाई खत्म कर तुम क्या बनोगे? मैं नर्स बनूंगी। और तुम? मैं मास्टर बनूंगा और लोगों को पढ़ाऊंगा। डॉक्टर क्यों नहीं बनते? क्या तुम मेरे नर्स बनोगे? नहीं, मैं तो रमेश जी की तरह मास्टर ही बनूंगा। अच्छा, तकर तुम मास्टर बनोगे? हाँ मास्टर बनूंगा मैं। क्या कोई इसमें अपराध है? तब तुम क्या बनोगे? मैं तुमसे बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और ज्यादा धनी बनूंगा और अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूंगा। अरे याला तुम यही मर जाओ, तुम लोग यही मर जाओ। यादम दादू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, तुम जाओ खोजो खोजो। मैं कमिंग सर। यस प्लीज कम इन। सर हमारे पिताजी ने दूसरे गांव के बच्चों को उनके माता पिता के इच्छा के विरोध स्कूल भेजा था, इसलिए वे लोग नाराज होकर पिताजी को मार पीट रहे हैं। हमें अपने पिताजी को छुड़ाना है सर। तो तुम लोग वहां जाओगे? जी सर। सर हम स्कूल के लड़के नकली सीआरपी बनकर उन बदमाशों को डरा धमका कर अपने पिताजी को छुड़ाना चाहते हैं, यदि आप आज्ञा दे तो। बट रिमेंबर डोंट मिसयूज द फैसिलिटीज ऑफ दिस सर। तुम्हारा कमांडर कौन होगा? चार्ली होगा सर। शाबाश, अरे भूल हो गया, शाबाश शाबाश बाजो। चलो टकर, तुम्हारा पिताजी कब बंधे हुए हैं? तुम क्यों आजता है? हमारा पिताजी को पता है? हमारा पिताजी नहीं है। सुअर के बच्चों, तालो और तकार को कॉलेज भेजूंगा। कॉलेज कॉलेज। Thank you.
कौन कहता है हमें कुंजी लहद में तन्हा टूटी टूटी हुई उम्मीद लिए जाते हैं मेरे अरमान हमें किधर लिए जाते हैं। आप बहुत उदास नजर आते हैं, बात क्या है? अरे रमेश जी, घर वालों की याद, अपने शहर बनारस की याद बहुत आती है। मगही पान, लस्सी, विश्वनाथ गली, चौक, गदौलिया, गहरे बाज इक्का, ऐसा क्यों नहीं करते आप? क्या यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से दिल बहलाने की चेष्टा क्यों नहीं करते? रमेश जी, प्राकृतिक सौंदर्य तो दो चार दिन ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे घर वालों की याद तो नहीं सताती। सन 1954 में मैं यहाँ आया था और लंबे अरसे से मैं यहीं हूँ। घर वालों की चिट्ठी अक्सर आती है, लेकिन इन लोगों की ईमानदारी, हमदर्दी और प्यार ने तो मुझे यहीं का बना लिया है। अब तो यही मेरा घर है और यही मेरा देश। शायद जल्दी ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए, लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत ही मनहूस होगा। अच्छा, बड़े भाई रमेश जी, हमें मालूम है। रमेश जी, हमें मालूम है, उत्तरी हमले के समय भी आप यहीं चट्टान की तरह डटे हुए थे। तुम्हारी मक्का की खेती इतना सुंदर कैसी हुई? तुमको मालूम है, इस साल मुझे कृषि विभाग ने पुरस्कार भी दिया है। तब तो तुम्हें मक्का का दाम भी ज्यादा मिला होगा। हाँ, नहीं तो मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज कैसे भेजता? अच्छा, इसका बीज तुम्हें कहाँ से मिला? जजाली फार्म से। मैं तो भाई वैज्ञानिक ढंग से खेती करता हूँ। उपनिषद, बाइबल, कुरान या विश्व के ही अन्य सर्व धर्मों और दर्शनों का मूलाधार है आत्मानुभूति। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कार्यान्वित करना ही सच्चा धर्म है। चाहे सूरज की पूजा करें या शिव की, प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। प्रेम ही संपूर्ण देश और विश्व की एकता है। चाहे सूरज की पूजा करें या शिव की, प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। प्रेम ही संपूर्ण देश और विश्व की एकता है। तुम तालों को जानते हो? इसे? लड़का लालची है, उसका पीछे लगे रहो। नहीं चलना है? नहीं, तुम जाओ। अच्छा, इसका
इसका क्या दाम है? 250 रुपये। पसंद है? जी हाँ, आओ मेरे साथ। हेलो, तुम्हें फॉरेन का जैकेट जरूरत था ना, ये लो, और ये सब माल तुम्हारा है। पसंद? जी। इस टेलीफोटो लेंस से मिलिट्री का सब हरकत खींच लो, समझे? मेरी तरफ से। थैंक यू माय बॉय। ये जनानी घाट है, तुम यहाँ क्यों आए? भूल हो गई। अच्छा, आंखें बंद कर लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? हाँ, जो मैं कहूँगा वो तुम भी कहोगे। अच्छा बाबा, अच्छा। आए माने मैं, आए माने मैं, लव माने प्यार, लव माने प्यार, यू माने तुमसे, यू माने तुमसे, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा जेंडर फेमिनिन है, तुम लड़की हो, तुमको ऐसा कहना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती। ताकर यालाम, प्यार क्या है मैं नहीं जानता हूँ। पर्वत पर्वत नदिया की धार, मैं जानती हूँ। वो क्या है? शायद एक ही धारा में बहने का नाम प्यार है। एक ही धारा में बहना ही प्यार, मेरे प्यार लो मुझे दिल में। You love fishing? Yes, Yakas. I just love fishing. In troubled waters? जैसा हम बोलेगा तुम करेगा ना? जी हाँ। बहुत जरूरी बात है, तुम लोग ध्यान से सुनो। देखो, ये सब उपहार उस देश के हैं जहाँ गगन चुंबी इमारतें हैं। हम लोग जैसा गंदी झुपड़ियां नहीं, उनके पास बड़ी बड़ी हवाई जहाज है, बहुत सारे रुपए हैं, उनके विश्वास ऐसे दम पर हैं जो उन्हें चांद और सितारों पर ले जा रहे हैं। वे तुम लोगों के तरफ बंदर नहीं है, चलो मेरे साथ। Thank you.
अरे तालो भैया, ये तो फॉरेन जैकेट है, इसे कब खरीदे? सरकार आपको ट्रेवल स्कॉलरशिप देती है और आप इन रुपयों को इस तरह खर्च करते हैं, किताबें क्यों नहीं खरीदते? रुपये मेरे आवश्यकता मेरी है, तुम कौन होते भूलने वाले? ओके डू एज यू लाइक। तालो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कौन सी बात? मैंने यालम के पिता को एक मिथुन गाय देकर तुम्हारी शादी यालम से पक्की कर दी थी, जब यालम एक बरस की थी। सच? आगे आपने क्यों नहीं बताया? उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, जरूरत ही नहीं थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। यालम, तुम मेरी हो। कैसे? तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी से एक मैथुन गाय ली थी, जो अब तुम 1 साल की थी। किसकी पत्नी होने के लिए? मेरी। असंभव, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसी दहेज प्रथा के लिए बहुत सी लड़की ने आत्महत्या की है। बकवास बंद करो, जमाना बदल चुका है तालो। इसी लड़की जानवर नहीं है, जिसे जब चाहे बेच दो। तालों से मेरी शादी क्यों भागे की थी? क्यों भागे की थी? क्यों भागे की थी? जिमा कलम पिता, जिमा कलम पिता, नॉइ, तम, नॉइ नॉम की दूमा, सीधा सीधा, गाड़ा जितो, हिदालम की टाइम, हिदालम की टाइम। हमारे रीति रिवाज के मुताबिक टाडो ने यलाम के दादा को एक मिथुन गाय देकर यलाम की शादी तालो से पक्की कर दी थी, लेकिन यलाम तालो के छोटे भाई तकार को प्यार करती है। ऐसी हालत में हमारे रीति रिवाज के नियमों का उल्लंघन होता है, इसलिए नियेल ने अर्थात पंचायत ने फैसला किया है कि यलाम के दादा को टाडो 2 मिथुन गाय देकर यलाम को मुक्त कर दे तकार के लिए। यह खुशी की बात है कि यलाम के दादा 2 मिथुन गाय के बदले 1 मिथुन गाय टाडो से लेकर यलाम की शादी तकार से करने को तैयार है। नेकम, आपने जो मांगा था वो मैं लेकर आया। आज से मेरी यालम मुक्त हो गई। थोड़ा ओपो भी लाया हूं, खास तौर से आपके लिए बनाया। ये देखिए, देखिए ना। अच्छा टाडो, तालो। What? नेल ने तो यलम को तकर को दे दी। बेहुदी रीति रिवाज, जंगली लोगों का फैसला, मुझे निशी धर्म से बहुत नफरत है। निशी धर्म तो बहुत ही खराब है। तुम जैसे मॉडर्न नौजवान, सच पूछो तो यलम तुम्हारे लिए ही पैदा हुई थी? नॉनसेंस। आया कुला। याकार। क्या है? याकार, तुमने जवाब नहीं दिया। किस सवाल का? मुझसे ब्याह करने का। ब्याह? यालम से शादी क्यों नहीं करते? वो ताकत से प्यार करती जोंगली। जवाब दो मेरे ब्याह के प्रपोजल का। सोचती हूँ तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, जिससे मैं कुछ कुछ जानती हूँ। हाँ, तुम्हारा फ्यूचर। यस, योर फ्यूचर इज इन माई हैंड। तुम मेरे जाल में बुरी तरह फंस चुके हो, इस पर साइन करो। साइन ऑन इट।
क्यों? I want to preserve your valuable signature. मैं तुम्हारा खूबसूरत हैंडराइटिंग देखना चाहता हूँ. Good. Very good, my boy. धरती गगन का मिलन अपार, धरती गगन का मिलन अपार, यालम राज रानी मेरा राजा है सकार, यालम राज रानी मेरा राजा है सकार. चंद्र दयनी सूरज मा मिठुन की कसम है अमर मेरा प्यार. बोलो चंद्र दोयनी सूरज मार मिठुन की कसम है अमर मेरा प्यार. नीला नीला उतर आओ मेरी दिलदार, प्यार की पुकार है प्यार की पुकार. दिल में उतर आओ मेरी दिलदार, प्यार की पुकार है प्यार की पुकार. प्यार की पुकार है प्यार की. कहो तो है ना, क्या करूँ, पढ़ क्या करेगी, पढ़ाई होती नहीं, मैं तो फेल हो जाऊंगी. क्यों? पढ़ने में दिल ही नहीं लगता. अरे दिल कैसे लगे, दिल तो तकल को दे चुके हो. हम आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं. अब आप समाचार समीक्षा सुनिए. भारतवर्ष के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं और आपका सहयोग उसमें जरूरी है. दिल्ली स्टेशन, फासीघाट स्टेशन, सुनने से क्या होगा? ये फॉरेन स्टेशन सुनो, ये सुनो बुद्ध साहब, दिल्ली स्टेशन सुनता है. हम जा यालम, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, मैट्रिक करने के बाद कॉलेज जाओगी ना? मैं कॉलेज जा नहीं सकूंगी मास्टर जी, क्योंकि मेरे दादाजी की हालत अच्छी नहीं है. मेरे सिवा खेतीबाड़ी करने वाला भी तो कोई नहीं है. सुनो, मेरी बदली चांगलांग हो गई है, मैं जा रहा हूँ. तुम कम से कम नर्स बनने की कोशिश करना, भगवान तुम्हें सुखी रखे. नमस्ते मास्टर जी, मैं जाती हूँ. लेट्स बी कंफर्टेबल, रूम के अंदर चले. हमें कोई आपत्ति नहीं, आप दोनों रूम में चले,
मैं सिगरेट लेकर आता हूं। चलिए। प्लीज डोंट हेजिटेट, क्या कर आइए। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, प्लीज। ताकर भैया, ताकर भैया, मुझे बचाइए भैया, मुझे बचाइए। क्या हुआ? मैं टाडा से शादी करना नहीं चाहती। अगर मुझसे जबरदस्ती की गई तो मैं उस पहाड़ की चोटी से कूद कर जान दे दूंगी। क्या तुम्हारी सगाई भी मिथुन गाय देकर टाडा से की गई थी? हाँ भैया, मैं टाडा को नहीं चाहती, मुझे तो ताना से प्यार है। इस दहेज प्रथा को खत्म करना ही होगा। Now, boys and girls, in our today's symposium, we have learnt about all big religions, merit and their demerits, say of Christianity, Hinduism, etc. अब मैं तकर से, हम इसे तकर से निशी धर्म पर प्रकाश डालने के लिए कहूंगा। सर, हमारा विश्वास सूरज और चंद्र में है, हमारी पूजा चार दीवारें में कैद नहीं है। हम लोगों के लिए सूरज माँ है जो हमें रंग, अन्न और एनर्जी देती है। चंद्र मर्द है जो रात को उदय होने का साहस करता है। सर, सूरज और चंद्र दो हमारे सतर्क आंखें हैं जो आदि काल से हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। Do you think there should be changes in the concepts of religion according to the spirit of time? पूरे तौर पर नहीं सर, कुछ हिस्सों को सुधरना होगा समय के अनुसार। सर, मेरे ख्याल से आज के सभी धर्मों ने इंसान के दिलो दिमाग में अफीमी नशा भर दिया है। It's almost like opium to the people, sir. सर, धर्मानुष्ठान या अंधविश्वासी धर्म नहीं है। सर, जातीय भलाई का संबंध धर्म से है और हमारा भारतवर्ष एक सेक्युलर स्टेट है। आज के जमाने में धर्म का कोई महत्व नहीं, बल्कि आर्थिक मुक्ति ही सच्चाई है, सच्चा धर्म है। ये सच है, आर्थिक मुक्ति होनी चाहिए। आर्थिक मुक्ति के लिए आवश्यक है कड़ी मेहनत, सामूहिक काम, सामूहिक चिंतन, और ये सब हमारे धर्म में है। साथ ही हम खेती करते हैं, साथ ही हम फसल काटते हैं। सर, क्रिश्चियन देशों से रंग भेद खत्म करना होगा, हिंदू धर्म से छुआछूत खत्म करनी होगी। हमें भी अपने निश्चित धर्म से अंधविश्वास, दास प्रथा और दहेज प्रथा को खत्म करनी होगी। हमें अपने रीति रिवाज संस्कृति में सुधार करना होगा समय के अनुसार। यस, रिलीजन इज एन एटीट्यूड टू लाइफ, लव टू ह्यूमैनिटी। मैं सोचता हूँ हमारा, मेरा मतलब है ताकार को जोंगली जीवन और असभ्य धर्म को जोर से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया है दूसरा धर्म लेने का, और ले भी लिया। हमारे नेफा राज के उन प्रसिद्ध स्थानों के नाम बताओ जिन्हें सारा भारत जानता है। ऐसे कई स्थान हैं सर। उनके नाम क्या क्या हैं? हिंदुओं के लिए मालिनी स्थान, नगर सर। वेरी गुड। भीष्मक नगर सर। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए तावांग मोनेस्ट्री। अच्छा जालाम, तुम बताओ और प्रसिद्ध स्थान क्या हैं?
परशुराम कुंड सर। फोटोग्राफ सर। अब डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट वेरी फाइन एक्सीलेंट। रूमी आई। क्या है ताकार भैया? हमारे निजी युवक संघ ने चंदा इकट्ठा कर दादा की मेतुन गाय लौटा दिया है। अब तुम ताना के साथ घर बसा सकती हो, खुश हो ना? ताकार भैया, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। कुछ खाकर तो जाओ भैया। नहीं, अभी युवक संघ का काम करना है। इसमें सभी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस हैं। देखो इसे इस तरह बजाना। लेकिन सुनना सन्नाटे में। जी यालम, इनसे मिलो। ये है अकार, ये है मम्मी और ये है रियो। मुझे आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। किसी दिन आऊंगी तुम्हारे घर। अच्छा, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। क्यों तकार मानते हो ना? चलो चलो। अब क्या तालो है? जी हाँ। एक आदमी आपके लिए तो बालकनी का टिकट रख गया है। If you feel you want somebody your own, someone to love with a cry, call on me, you will understand when I touch your hand so tenderly. आओ आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। आओ आओ, यहाँ बैठ, यहाँ का? बैठो। आजकल की लड़कियां बहुत लंबे कपड़े पहनती हैं, या तो बहुत छोटे। यकर, कॉलेज की छुट्टी कब तक है? कुछ दिन और है। आंटी, ये कपड़े कितने सुंदर हैं। अच्छा, आप बहुत सुंदर बुनती हैं। सच? तालो कहाँ है? जब से उसने निशी धर्म बदला है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, हमें नहीं मालूम। यकार, तुमने अपना धर्म कब बदला? पिताजी ने निशी धर्म बदला था अपनी जवानी में, जब वे प्लेन्स में काम करते थे। मैं तो इसी धर्म में पैदा हुई हूँ आंटी, फिर भी मैं निशी संस्कृति को नहीं भूली हूँ, क्योंकि मेरा भी तो घर इन्हीं पहाड़ों पर है। शिक्षा के अलावा मुझे अपने अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार है। बेटी, धर्म क्या है? सच्ची मानवता ही सच्चा धर्म है। आओ
हर बेवकूफ अंधी औरत बिना संविधान के कोई अच्छा आदमी नहीं बन सकता। ये चश्मा पहनो। तालो, निशि धर्म सभ्यता नहीं सिखाता। क्या इस चश्मे से तुम्हें कुछ दिखलाई देता? इसने तो मेरी दुनिया को और अंधेरा कर दिया है। मालूम होता है कि ये चश्मा दूसरे का है। तुम लोगों के जीवन में कभी रोशनी नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अपने रास्ते पर कितने आदमियों को लाए हो? करीब 4-5 फैमिली को। बस सिर्फ 4-5? खैर, जो रुपया हमने दिया था वो तो सही सही बांट दिया है ना? जी हाँ। वेल तालो, ये लो 5,000। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। देखो तालो, ये नदी कितनी खूबसूरत है। मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। दिल भी तो कोई चीज है तालो, छोड़ो इन बातों को। देखो तालो, ये कितना मजबूत और लंबा केन ब्रिज है ना? मैं बहुत खुशी है कि आप अपना कांबोरा नियुक्ति पत्र लेने के लिए आप अपना मेरा दफ्तर में आया है। आप अभी कांबोरा है तो यही आपका लालकूट जिसके पिन के सब लोग आपके पास आएगा बात सुनने के लिए और आपका मापिक अच्छा काम करने के लिए। जय हिंद। तालो। वाह पिताजी, क्या शानदार लाल कोट है। मैं भी देखूंगी। लालकूट में क्या रखा है? क्यों नहीं रखा है? पिताजी गांव प्रधान है, इनके हाथ में कानून व्यवस्था है। और मैं 50 रुपए तक जुर्माना भी कर सकता हूं, तुम्हें भी, अगर तुमने बदमाशी की तो। पूजा पाठ के बहाने मैथुन की हत्या करते हो? सुनो भैया, मिथुन को बलि देने से पहले हम लोग उसकी पूजा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, रोते हैं, फिर सामूहिक भलाई के लिए उसे बलि देते हैं। युवधम, निशि धर्म की कुछ कहानियां सुनाओ। बुद्धे लोग कहते थे हमारे आदियों में किंवदंती है कि सृष्टि से पहले अंधेरा और शून्य के सिवा कुछ नहीं था। उनका विश्वास है कि ईश्वर ने सबसे पहले इन चारों की रचना की, कुम्हार, लोहार, सोनार और बढ़ई। फिर इन चारों ने कड़ी मेहनत कर संसार को बनाया। इसके बाद आकाश से तरना धरती पर उतरा और नदी बन गया। चारों ने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें आकाश पर
दो आंखें दिखलाई दी, चारों ने मिलकर आकाश से वो दोनों आंखें छीन ली, नदी के स्वच्छ जल में उसे साफ किया, वो दो आंखें ज्योति बन गई, एक कच्चे बांस में एक ज्योति को लपेट कर उन चारों ने खड़ा कर दिया, और वो ज्योति सूर्य बन गई। डोइनी यानी सूर्य हमारी माता है, दूसरी ज्योति को भी बांस में लपेट कर खड़ा कर दिया। वो चंद्र बन गई, पोलो यानी चंद्र हमारे पिता हैं, सूर्य नारी है और चंद्र पुरुष है। ये सब बकवास है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। आदरणीय मास्टर जी नमस्कार, मेरे पत्र से आप जरूर समझ गए होंगे कि तालो बर्बादी की राख पर चल रहा है, मुझे उसके धर्म परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे हमारे देश की हर प्रगति से नफरत है। मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ, वो अपने रास्ते पर चल रहा है। सर मुझे आपकी टीचिंग से बहुत प्यार है, मैं इन दिनों बहुत उलझन में हूँ, परेशान हूँ, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। धोनी पोलो की कृपा से आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। आपका ताकार। तालो, मेरे अच्छे तालो, जरूर तुम्हें किसी ने गुमराह किया हो। तालो, शायद तुम्हें नहीं मालूम, आज 19 जनवरी 1972 है, कल 20 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दिया हुआ नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को तुम्हें महान बनाना होगा और अभिमान से मस्तक ऊंचा कर सीना तान ऊंची आवाज में गाना, अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभात सूर्य चुंबित देश, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड अ बिल इन 1971 चेंजिंग द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा इनटू अरुणाचल प्रदेश। तालो क्यों बैठे हो? ताकार, चलो चलो, देर हो रही है, जीप रेडी है। कहाँ चले बुद्धेला कोट? 50 रुपए जुर्माना कर दूंगा। तुम्हें नहीं मालूम? ओहो, आज तुम्हारे प्रोविंस का नया नाम अरुणाचल प्रदेश रखा जाएगा। तो तुम जानते हो, लेकिन नाम से क्या होता है? तुम अपने रास्ते जाओ स्थानीय देश में,
हम लोग तो जीरो चले चले पिताजी। जाओ जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी मोहन फेस्टिवल में भाग लेने में। चुप! लेकिन लेकिन क्या? क्या तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट है? जी हाँ, याकार, यालाम और मेरे पिता रास्ते में चट्टान बनकर खड़े हैं। तो उन्हें रास्ते से? जी, मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। शाबाश। ये लो, तुम तो अग्नि पुत्र हो, आग से खेलो। सुनो याकार, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझसे तुमने आज तक जवाब नहीं दिया, क्या अभी तक सोच रहे हो? मैंने सोचना बंद कर दिया है और फैसला कर लिया है। क्या तालू, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें अपने आप से प्यार है। तुम ऐसे आदमी हो जिसे अपने माँ बाप, अपने कल्चर, अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है, फिर तुम्हें दूसरों से कैसे प्यार हो सकता है? मुझे दुख है तालो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। याकार! ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। आज 1975 का स्वतंत्रता दिवस है। संसद द्वारा पारित 37वें संशोधन के अनुसार जनमत द्वारा चुनी विधानसभा
और मंत्रिमंडल सहित जनप्रिय सरकार का गठन अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण कदम। जिले का में उसी आंग लोहित तीरा सुवन सीरी, जिले का में उसी आंग लोहित तीरा सुवन सीरी, जीरा समुच्चल कुसुम सा है शोभित ही नगीरी, मंच फुला का एक गुलिस्ता मन मन से है प्यारा, प्रभात सूरज चुंबित प्रदेश अरुणाचल हमारा। ये क्या बोल रहा है? बहन, आज से हम लोग वोट दे सकेंगे। शिक्षा के बिना वोट, इलिटरेसी और डेमोक्रेसी दोनों एक साथ नहीं चल सकती। तालो भैया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 1947 तक हमारे पहाड़ की तराई में सिर्फ 4 स्कूल थे और उनमें सिर्फ 80 लड़के पढ़ते थे। और आप भी 100, 200 या और ज्यादा? आज एक फ्लारेशिंग कॉलेज है, 24 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 728 दूसरे किस्म के स्कूलें हैं, उनमें अभी 42,000 लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। बाकी? विश्वकवि टैगोर ने कहा था, अनलिटरेट पीपल आर नॉट ऑलवेज अनलर्नड। समय के साथ वो भी ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे। मर्दन बन गया, मर्दन। ठीक है, समय के मुताबिक चेंज हो रहा है। अरे पुदुम कहाँ है? धर्म पुदुम में नहीं रहता है, देश में नहीं रहता है। अच्छा, धर्म हृदय में रहता है, दिल में रहता है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। हेलो भैया, हेलो भैया, यलाम ने खत लिखा है, यकुम फेस्टिवल जल्दी ही मनाया जाएगा, तैयारियां जोरों से चल रही हैं। यलाम ने तुम्हें लिखा? मुझे नहीं, मैं उस असभ्य त्योहार में शामिल नहीं होऊंगा। अगर मुझे जाना भी होगा तो बाद में जाऊंगा। कालो, तुम्हारी सब हरकतें इस टेप में कैद हैं, तुम्हारा सिग्नेचर मेरे पास है,
अगर तुमने धोखा देने की कोशिश किया तो सबूतों को मैं तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दूंगा एंड यू आर डूम्ड। और मैं उड़कर महाशून्य में गायब हो जाऊंगा। तुम तो अग्निपुत्र हो, आग से खेलो। गॉड ब्लेस यू। प्यारे तकर, न्योकुम की तैयारी पूरी हो गई है। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी आशा छोड़ो, तालो कहाँ है? तालो की बात करो माँ, उसको न्योकुम मिलो से दिलचस्पी नहीं है, वो कल आ सकता है। माँ, मैं तुम्हें असामाजिक लॉस ले जाऊंगा न्योकुम के बाद। तकार, तुम और तालो मेरी आंखों की जोत हो, तुम दोनों मिलकर रहना। ये और 5,000, 10,000 हुए ना, बट डोंट बी इनएफिशिएंट। ओके सर। तुम लोगों को रुपए मिल गए ना? हाँ। जैसा मैंने कहा वैसा करते जाओ। चलो, तुम जो भी करते हो मैं मालूम है, लेकिन याद रखो, साधारण आदमी को कभी रुपया से खरीद नहीं सकते। मुझे भी ये सब पसंद नहीं। मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। चलो। तादो, तुम्हारा बेटा तालो चारों तरफ अशांति फैला रहा है। ऐसा लगता है कि मैं औलो इस्तेमाल करूं, लेकिन वो मेरा बेटा है। तुम ही लोग उसे रोको। तालो, तुम आज बचकर नहीं जाओगे। तुम तो अग्निपुत्र हो, आग से खेलो। Thank you.
तुम तो अग्निपुत्र हो, आग से खेलो, आग से खेलो। Thank you.
Kamu hati ranya panin. So do hati mapane. Alpha. देखो क्या होता है। यालम, मैं तुम्हें फिर इंग्लिश पढ़ाता हूं। लव एल लेक ऑफ सोरो ओ Ocean of tears, we valley of death, e end of life. तुम्हें तालो बुलाता है। तकार तालो और यलम न्यूकुम से गायब है। क्या? और की टाडो भी नहीं है। भगवान जाने क्या होने वाला है। कहाँ गए होंगे सर? बुलाया मुझे। आइए पिताजी आइए। क्यों शराब पीकर पागल हो रहा है, है? है? मैं कहता हूं
बंद करो इस जंगली पूजा पाठ को, मैं तुम्हें नया धर्म देता हूँ। धर्म लिया जा सकता है, जबरदस्ती लादा नहीं जा सकता। जो अच्छा तुम्हें विदेशी हवा लगी है ना, लेकिन लेकिन इस पेड़ को देखो, वो पत्ते देखो, इस पेड़ से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की हवाएं टकराती हैं। सिर्फ सिर्फ पत्ते हिलते हैं, लेकिन लेकिन इस पेड़ की जड़ें अरुणाचल की मिट्टी में बहुत गहरे तक समाई हैं। तुम इसे उखाड़ फेंकना चाहते हो? चलो चुप लाको, अपने जंग दम की वकालत करने वाले आइए। लालकोट अच्छा ये कहां से मिला? क्या ये फॉरेन का है? क्या ये मार सकता है? हाँ ये मार सकता है लालकोट, देखो। बेटा बाप की जान लेगा। चुप लालकोट, मेरी माल लौटा दो, मेरा धर्म, मेरा रीति रिवाज
मेरी संस्कृति मेरी मां जैसा ही है। तालो मेरी आंखों की जोत हो, दोनों दोनों मिलकर रहे। बोलो चंद्र दोइनी सूरज हमारा।